सो गाइस मैं अभी शूट से वापस आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, बहुत थक गई हूँ। आपको शर्मिल चेहरा देख के लग भी रहा होगा, बहुत थकी हुई आज है ना। तो पूरा दिन बहुत ही हेक्टिक रहा आज। हम लोग बना गई थी बेसन के चीले रात के डिनर के लिए, तो मैंने सबको सर्व कर दिया गरम गरम साथ में बटर लगा के। अब हो गए ख़त्म और मेरे लिए एक भी नहीं बचा और मुझे लग रही है भूख। तो मैं अपने हस्बैंड को जब सर्व किया ना, तो उनको पता कि मुझे भूख है, तो उन्होंने मुझे अपने में से निकाल के दिया कि तुम भी खाओ। फिर मैंने कहा मुझे और भूख लग रही है, मैं क्या करूँ। मैं सारा दिन, मैं तो हेक्टिक सा मेरा डे था, मैं बाहर घूम रही थी, काम कर रही थी, शूटिंग कर रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो ठीक है, तो मैं कुछ रोड साइड खिला के लाता हूँ। कहाँ लेके जा रहे हैं तो तुम क्या खिला रहे हो? फिर अभी मुझे भूख लग रही है बहुत तेज की, बताओ क्या खिला रहे हो, बताओ जो मर्जी। क्या अभी तो मुझे कहते रोड साइड कुछ खिलाओगे, डोसा वड़ा सांभर वड़ा। तो ठीक है गाइस, अभी हम चलते हैं डोसा सांभर वड़ा खाने। और कहाँ पर? साकेत के पास ना कहीं लेके जा रहे हो? हाँ साकेत के पास। तो कहाँ? मुर्गन थुनाई। मुर्गन थुनाई या मुर्गन थुनाई? ठीक है मुर्गन थुनाई जाते हैं। कहाँ पर है, क्या खाया है हमने कभी यहाँ पे क्या? हाँ अच्छा ठीक है, साकेत के पास आई थिंक बहुत पहले मैंने खाया हुआ, काफी टाइम से मैं गई हूँ यहाँ पे। तो भी चलते हैं मुर्गन थुनाई और आप लोगों को भी लेके जाते हैं। तुम देखो मैच देखते रहते हो ये मोबाइल में, क्या चक्कर क्या है ये? हाँ एशियन गेम्स। तो कपड़े ज्यादा चेंज में नहीं करूंगी, बस मैं ऐसे सिंपल सी जाऊंगी। हाँ क्या बकवास कर रहे हो? हाँ इस दिन तो मैं ऐसे जाऊंगी। आप कहीं नहीं जाओगे, आप ही बैठोगे, आप कहीं नहीं जा रहे। चेरी पूछ आने से क्या हो जाएगा? चेरी नहीं आप नहीं जा रहे, आप ही बैठो, आप ना खाना खाओ। पीछे पीछे लगी हुई जाने के लिए। चेरी आप नहीं जा रहे हो, चेरी आप नहीं जा रहे हो, आ जाओ इधर, नहीं जा रहे आप। देखो तुम्हारे पीछे लगी हुई चलने के लिए, नहीं चलो इसको भी, क्या घुमाएगी थोड़ा सा जाके। फाइनली हम घर निकल पड़े हैं रोड साइड डोसा खाने के लिए, मुर्गन थोड़ा ही। पहले हमने डीजल भरवाया, गाड़ी में डीजल खत्म हो रहा था। देखिए रिफिल ड्रिंक हीट रिपीट रिफिल करके खुला यहाँ पे। ये रिफिल क्या क्या अभी है? ये रिफिल क्या है? ये मैम मारो छोटा बॉल। क्या मिलता है खाने पीने को? नींबू लग रहा है जी, इसमें सब कुछ रहता खाने का, राजमा चावल बर्गर शर्गर राजमा राइस सब कुछ। देखिए 24 घंटे खुला रहता है ये, 24 घंटे। अच्छा ये सही है 24 घंटे। एक यहाँ पर है ना डोसा, कहाँ पर मिलता है यहाँ पर रोड साइड पे, पर हमने कभी इसका खाया नहीं ना, इसलिए पता नहीं कैसा होगा। अच्छा ये वाला है ना आई थिंक, इसकी वजह से काफ़ी रश है। कौन सा? ये कंगनम फास्ट फूड, बड़ा रश है यहाँ पे। तो हमने इस लाइन में देख ली है रोड साइड साउथ इंडियन। एक और है वो हम देखते हैं, वो कहाँ पर है? के ब्लॉक के सामने है ना, यहाँ पे तो यही पे था ये वाला है ना। हाँ ये वाला मुर्गन थुनाई नहीं, इसका नाम कुछ और है, मुर्गन थुनाई नहीं है, तुनाई आंध आंधी चमन तुनाई। और गाड़ी में बैठे भाभी, गाड़ी में बैठो, थोड़ा आएगा गाड़ी, आराम से काटो। तो तब तक एक सिंगल सिंगल पीस बड़ा दे दो आप। ठीक है चटनी। ये जवाब क्यों दिया तुमने? मांग के लाया बताया था बेचारे को। गर्मा गर्म बड़ा एंड चटनी।
मसाला डोसा, पनीर डोसा और मैडम मसाला डोसा, पनीर डोसा, ओनियन डोसा, उत्तपम, बड़ा इडली, पेपर डोसा। सबसे अच्छा डोसा कौन सा आपका? सब अच्छा है मैडम, सारे अच्छा है। 30 साल दुकान है। 30 साल? हाँ जी 30 साल दुकान है मैडम। तो मसाला डोसा खाते हैं इनका? मसाला डोसा ले आइए आप मैडम, खाएंगे। एक चाहिए था डोसा। ये दो दो ये दो से दो काट दिया। दो काट दिया आपने उसको? अच्छा अच्छा ठीक है, दो आदमी है सिस्टर। गर्मा गर्म डोसा एकदम फ्रेश बना हुआ, देखने से इतना यमी लग रहा था और अंदर इतना मसाला उसमें भरा हुआ था और चटनी और सांभर भी खूब सारा था। और उसका रेट पता है कितना है? अभी बताती हूँ मैं आपको, इट्स वेरी वेरी रीजनेबल। डोसा कितने का है? 90 का डोसा। और वो कितने का है? हाँ जी सामोड़ा कितने का है? 80 रुपए का। बहुत टेस्टी था आपका, बहुत टेस्टी, थैंक यू वेरी मच। ये मोबाइल मेरा कितने का? ये मोबाइल कितने का है? पूछ रहे मैडम से। 2 लाख का? 2 लाख। He was so cute. He was asking कि मोबाइल कितने का है? 2 लाख का है, 2 लाख का। फिर हमने पिया जीरा सोडा।